हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम बात करने वाले चिकन के बारे में, और हम चिकन के बारे में इसलिए बात करने वाले क्योंकि आप सभी का, बहुत लोगों का सवाल था मेरे DM में कि क्या हमें चिकन ले सकते हैं पोस्ट वर्कआउट में। मैं जब चिकन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं चिकन पोस्ट वर्कआउट मील की बात नहीं कर रहा, बट मैं बात कर रहा हूँ आप जो वे कंज्यूम करते हैं वर्कआउट के बाद, उसके जगह पे आप अगर चिकन कंज्यूम करते हैं तो क्या आपको चिकन वो सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा जो आपको वे प्रोटीन से मिलते हैं। सो आज के इस वीडियो में उसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, चिकन वर्सेस वे प्रोटीन, और जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सा बेटर है या कौन सा कंज्यूम करना चाहिए, या चिकन या वे। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कभी भी मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस नहीं करें। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो अगर हम वे प्रोटीन को देखें तो वे प्रोटीन स्टार्ट होता है 1500 से 2000 के बीच में, और उसकी प्राइसिंग 10,000 तक जाती है फॉर 1 kg पैक और 2.5 kg पैक। अगर हम एक स्कूप वे की देखें और उसके कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो एक स्कूप वे जो कि आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन प्रोवाइड करता है, वो अप्रॉक्स आपको 50-70 रुपीस पड़ेगा 25 ग्राम प्रोटीन के लिए। अगर हम चिकन ब्रेस्ट की बात करें, लीन मीट चिकन की बात करें, तो वो आपको 280-300 रुपीस की पर केजी अवेलेबल मार्केट में आज, जिससे अगर हम 25 ग्राम प्रोटीन निकालने जाए तो 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट से आपको 25 ग्राम्स का प्रोटीन मिलता है, जो कि अगर उसकी कॉस्ट की बात करें, अगर हम उसकी कॉस्ट देखें, सो 28 रुपीस टू 30 रुपीस अप्रॉक्स आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन के लिए पड़ेगा। बट वेरस अगर आप वे को देखते हैं तो आपको 50-70 रुपीस पे करना पड़ता है। सो इस मामले में चिकन वे को टेक ओवर करता है प्राइसिंग के मामले में। सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको चिकन ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है। अब दूसरा फैक्टर ये आता है कि बायड अवेलेबिलिटी इंडेक्स का। सो अगर हम वे की बात करें तो वे का बायड अवेलेबिलिटी इंडेक्स वेरी करता है 100 से 159 हो सकता है, और अगर 100 से ऊपर बायड अवेलेबिलिटी का रेट इंडेक्स रेट अच्छा हो तो कंजम्पशन का रेट और वो कंज्यूम जल्दी हो जाता है। वेरस चिकन की अगर हम बात करें तो चिकन का बायड अवेलेबिलिटी इंडेक्स रेट जो है वो है 79 अप्रॉक्स, जो कि काफ़ी कम है बायड अवेलेबिलिटी के कंपैरिजन में। सो चिकन यहाँ पे पीछे रह जाता है। तीसरा पॉइंट आता है न्यूट्रिशन का। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो दोनों ही फूड आपको इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन की वैल्यूज प्रोवाइड करती है। अगर हम वे की बात करें तो वे में लैक्टोस रहता है जो कि काफ़ी रिच रहता है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। और आप अगर आइसोलेट कंज्यूम करें तो उसमें ज़ीरो फैट और ज़ीरो कार्ब्स रहते हैं, जो कि एथलीट्स के लिए स्पेशली काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वेरेज अगर आप चिकन कंज्यूम कर रहे हैं तो शायद उसमें थोड़ा सा फैट होने के चांसेस है, बट सेम वे में एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो आप वे कंज्यूम नहीं कर पाते। सो न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात करें तो दोनों ही सेम रहते हैं, दोनों ही सेम न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस मामले पर दोनों ही इक्वल लेवल पर। चौथा पॉइंट है प्रिपरेशन। सो अगर हम इसमें प्रिपरेशन की बात करें, अगर प्रिपरेशन को देखें तो वे में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रिपरेशन या प्रिपेयर करने के लिए आपको लगेगा। आपको सिर्फ वे का एक स्कूप लेना है, पानी या दूध में मिलाना है, एंड देन आपको उसे कंज्यूम कर लेना है। बट वेरस अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसको आपको साफ करना पड़ेगा, उसको मैरिनेट करना पड़ेगा, उसको फिर कुक करना या पकाना पड़ेगा, जिसको काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इन सब में टाइम लगता है और यहीं हमारा वे आगे निकल जाता है। पांचवा पॉइंट आता है अब्सॉर्प्शन और डाइजेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब्सॉर्प्शन और डाइजेशन अगर हम वे की देखें तो वे काफ़ी जल्दी अब्सॉर्ब और डाइजेस्ट हो जाता है,
क्योंकि कुछ ही देर पहले, अब जैसे मैंने आपको बताया था, बाइड अवेलेबिलिटी इंडेक्स वे का काफ़ी ज़्यादा है और 100 से ऊपर, इसलिए वो काफ़ी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए। वेर एज चिकन का सिर्फ 79 है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बट ऐसा नहीं है कि चिकन बेनिफिशियल नहीं है, अब्जॉर्प्शन में टाइम लेता है बट वो आपको रिकवरी में पूरी हेल्प करता है। सो वे और चिकन के कंपैरिजन में वे बेटर रहता है क्योंकि उसके काफ़ी बेनिफिट्स है। उसको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं लगता है, ईजी और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सो ये सारे फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए वे बेटर रहता है। बट अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आपको वे नहीं कंज्यूम करना है, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, सो आप चिकन भी कंज्यूम कर सकते हैं या दूसरे फूड सोर्सेज जिससे प्रोटीन मिल सकते हैं वो से भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको चिकन नहीं कंज्यूम करना है सो आप एग वाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं कम्प्लीटली सो आप पीनट या सोया जैसे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी ने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को करें लाइक और उस चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आप कभी भी मेरे फ्यूचर वीडियोज़ को मिस नहीं करें। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो पर।